वही 2 से 3 लाख रुपए देंगे डाउन पेमेंट करके हम गाड़ी ले सकते हैं और दूसरा कितना थोड़ा माल भरा है हेलो तो दोस्तों कैसे हो आप आई होप सब बहुत बढ़िया होंगे सबको सुबह की जय श्री राम और प्यारी सी गुड मॉर्निंग 9:30 बज गए हैं दोस्तों और आपका भाई आ गया है दोस्तों शिवान से घोसी और दोस्तों घोसी उत्तर प्रदेश में पड़ता है और ये देखो आजमगढ़ के पास और ये रहा बोर्ड आप पढ़ लो हमारी गाड़ी लोड आज हम करेंगे दोस्तों गाड़ी लोड और हम जाएंगे जमुनानगर दोस्तों हमारी गाड़ी में माल होगा जमुनानगर का और अभी लगा दिया दोस्तों अभी आया हूँ जस्ट मैं जस्ट अभी थोड़ी थोड़ी देर में पहले ही पहुँचा हूँ यहाँ और गाड़ी लगा दिया दोस्तों और कांटा करवा के मिलता हूँ मैं दोस्तों अभी जा रहा हूँ कांटा करवाने और कांटा करवाने के बाद मिलता हूँ आपसे और भाई दोस्तों आपके भाई ने करा लिया गाड़ी कांटा एकदम ओके हो गया सब कुछ बस लोडिंग पॉइंट पे भी आ गए हैं अभी लोडिंग चालू हुई नहीं है बताएंगे थोड़ी देर में कब चालू करेंगे अपनी एक गाड़ी दोस्तों पहले भी यहाँ लोड हो रही है मतलब अभी खड़ी होकर लोड हो रही है वो बाहर से ही लोड हो रही है हाईवे पे और हम अंदर आए हैं लोड करने के लिए और दोस्तों आपके बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि भाई आप कमेंट का रिप्लाई नहीं करते भाई मैं टाइम पे सबके रिप्लाई करता हूँ इसलिए कमेंट पढ़ के छोड़ देता हूँ लाइक भी नहीं करता तो इसलिए मैं थोड़ी देर बाद फिर आपको आंसर कर देता हूँ जब मैं फ्री टाइम पे रहता हूँ अभी दोस्तों हमारी गाड़ी लोड होएगी और ये देखो हम कहाँ रखे हैं घोसी आदर्श नगर पंचायत घोसी जनपद मऊ और दोस्तों अब यहीं से हम निकल जाएंगे लखनऊ और दोस्तों हम वहाँ से कम रात भर में दोस्तों मैं सो गया था सुबह 5 बजे निकला था फिर मैं वहाँ से और 200 किलोमीटर था दोस्तों पूरा 200 किलोमीटर का सफ़र आपके भाई ने काट चुका है और अब लगा दिया देखते हैं कब लोड करते हैं और सुबह से चाय नहीं पिया देखते हैं कहीं चाय वाय पियेंगे और दोस्तों गर्मी बहुत हो रही है एक तो गर्मी इतनी हो रही है ना बस एसी भी नहीं चलता है हमारी गाड़ी में एसी चलता ना दोस्तों पूरा मतलब चाबी ऑन करके एसी चला के अपना बैठे रहता थोड़ी देर ठीक है दोस्तों मैं आपको लोडिंग पॉइंट दिखाता हूँ नीचे उतर के और क्या आ जाओ लोडिंग पॉइंट दिखाता हूँ मैं आपको देखो गाड़ी लोड होके निकल गया यहीं से निकली है दोस्तों ये गाड़ी लोड हो गए आ जाओ मैं दिखाता हूँ गाड़ी पॉइंट लोडिंग पॉइंट दिखाता हूँ और फिर अपनी गाड़ी लगाएंगे वहाँ पे और दोस्तों ये है लोडिंग पॉइंट ये वोल्ट लोड होगा दोस्तों हमारी गाड़ी में वोल्ट और ये देखो और दोस्तों हमारी गाड़ी में हो गया वोल्ट लोड और हम आ गए हैं अब लोडिंग पॉइंट पर भी लगा दिए गाड़ी और ये लोडिंग पॉइंट है और बोल रहे हैं दोस्तों रात तक लोड कर देंगे रात को निकलेंगे फिर हम यहाँ से अभी दोस्तों चलते हैं हम चाय पानी पी के आते हैं फिर मिलता हूँ मैं आपसे समोसे छोला टेस्ट ब्रो कैसा है सही और फाइनली भाई आ गए हैं दोस्तों चाय पानी नाश्ता करके गाड़ी भी लोडिंग हुई है दिखाता हूँ मैं आपको कैसे लोड कर रहे हैं हमारी गाड़ी लोडिंग स्टार्ट चेक करो दोस्तों लोडिंग स्टार्ट हो गई है हमारी और दोस्तों आ गया आपका भाई गाड़ी के अंदर और हमारी गाड़ी में हो रही है क्या क्या माल लोड हो रहा है लिफ्टिस लोड हो रही है दोस्तों हमारी गाड़ी में और जो कि हम 40 टन लेने वाले हैं और दोस्तों इसका भाड़ा मैं बता दूंगा आपको क्या रेट लेके जा रहे हैं और दोस्तों हम जा रहे हैं जमुनानगर दोस्तों यहाँ से कम 1150-1200 किलोमीटर दोस्तों जो गाड़ी अभी लोड होके निकली थी वो देखो दोबारा आ गया है वजन कम रह गया दिखे और देखो 16 टायर आया दोस्तों ये ट्रक ये देख लो दोस्तों लगा दिया भाई ने गाड़ी फिट कर दिया फिट फोर लगा दिया गाड़ी इसलिए आया होगा यहाँ क्योंकि उसका माल कम रह गया होगा फिर बेचारे को इतना घुमा घुमा के लानी पड़ी होगी गाड़ी कांटे से पहले कांटा भी कराना पड़ता है ना दोस्तों गाड़ी का वजन ज़्यादा हो जाए तो मुश्किल कम हो जाए तो मुश्किल और भाई आ गया हूँ मैं गाड़ी के नीचे और देखो माल हो गया लोड और दोस्तों ये बत्ते भी लगाने पड़ते हैं ये जो बत्ते देख रहे हो ना वरना ये चौड़ी हो जाती है बाड़ी और बाद में दिक्कत करती है फिर ये गाड़ी और दोस्तों कल ना तुम्हारे भाई के साथ पता क्या हुआ कल मेरी गाड़ी में मतलब डीजल के टंकी का गेज ना नीचे चले गया मतलब ई पे चले गया मेरे को लगा यार टंकी फुल करा के लाया और भयंकर कहाँ खो गया डीजल मेरे को लगा चोरी हो गया यार फिर देखा भयंकर गेज मार के हाँ भाई पूरा है मतलब उसका गेज मीटर ख़राब हो गया था दोस्तों उल्टी कमानी में गाड़ी देखो दोस्तों कितनी मजबूती दे रखी है गाड़ी के अंदर और डबल थापट में दोस्तों ये गाड़ी 4x4 है इसका 4x4 दिखाता हूँ दोस्तों ये 4x4 दोस्तों इस गाड़ी का इधर को कर दोगे तो 4x4 लग जाएगा साफ करने का जुगाड़ है दोस्तों ये इससे आप गाड़ी साफ कर सकते हो
ये देखा चलता नहीं, पर ये क्या पता कुछ लाइन लुइन लगा रखी हो, पर कोई बात नहीं, चलता नहीं। प्रेशर भी कम हो रहा क्या होगा ना गाड़ी में। और दोस्तों जब मैं गाड़ी मतलब भर के लेके चल दूंगा, जब खाली कर दूंगा ना, तो मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या बचा गाड़ी को, चक्कर पे क्या बचा और कितने दिन का चक्कर था। ठीक है दोस्तों, वो व्लॉग भी बनाएंगे हम। और एसी तो है नहीं, तो दोस्तों अभी आपका भाई जा रहा है थोड़ी देर सोने आराम करने, क्योंकि रात भर फिर गाड़ी चलानी है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं थोड़ी देर में। तो भाई दोस्तों आपका भाई सोने ही जा रहा था, फिर इन्होंने बोला भाई गाड़ी लगाओ हटा के, तो दोस्तों गाड़ी लगा दी है फिर से। और ये देखो गाड़ी को कैसे लगाया है, आपका कैसी लग रही है, डेंजर लग रही है गाड़ी। और दोस्तों आपको मेरे को ना थोड़ी सा गाड़ी में प्रॉब्लम लगती है दोस्तों, मतलब ये गाड़ी जो थोड़ी सी उठने में थोड़ी दिक्कत करती है, मतलब पिकअप उठने में थोड़ी सी दिक्कत कर रही है। देखो अभी तक माल इतना ज़्यादा भी नहीं भरा है गाड़ी में, थोड़ा ही माल भरा है, ये देखो कितना थोड़ा माल भरा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि उठाने में बहुत, मतलब जैसे कि मैं ओवरलोड की गाड़ी उठा रहा हूँ ऐसा लग रहा है दोस्तों, पता नहीं क्यों लग रहा। और जो दूसरी गाड़ी चलाता था दोस्तों मैं BS6, वो तो एकदम कार की तरह चलती थी, मतलब पिकअप बहुत हार्ड है उसका। रमजान में दोस्तों काम कर रहे हैं भाई, हिम्मत है इनकी, फास्ट है, फास्ट के बाद जो काम करना पड़ता है इतनी धूप में। नहीं भाई हैं सारे अपने भाई हैं, मतलब तो मतलब अभी देखो कितनी धूप में काम कर रहे हैं, हिम्मत मानो दोस्तों कि इतनी धूप में काम करना फास्ट, मतलब कुछ बिना खाए पिए, हिम्मत मानता हूँ मैं दोस्तों। तो दोस्तों ऐसे बंदों को सल्यूट है जो मेहनत करके खाने की सोचते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं हमारे देश में, ऐसे हैं जो कुछ करना नहीं चाहते और सोचते हैं कि हम बैठे बैठे ही सब कुछ पा लें, तो ऐसा तो होता नहीं कि आप बैठे बैठे सब कुछ पा लेंगे। और ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। गाड़ी तो मैंने आपको दिखा दी है, देखो मस्त करके लगा रखी है। और दोस्तों वापस अपने ट्रक पर आ गए हैं। और दोस्तों खाना तो हमने भी कुछ नहीं खाया दोस्तों, क्योंकि यहाँ मिलने का भी नहीं खाना। और अभी लोड हो जाएगी दोस्तों, फिर मिलता हूँ जब लोड हो जाएगी। अब तो मतलब ज़्यादा टाइम भी हो गया है, 12-1 बज गए हैं दोस्तों, पर हिम्मत मानता हूँ मैं दोस्तों इनकी। देखो खाली पेट काम करना फास्ट होने के बाद। फाइनली भाई आपका भाई उतरा था गाड़ी को चेक करने के लिए, मैंने इसको बोला है गोलू को कुछ खाने के लिए लिया, कह रहा बहुत दूर जाना पड़ेगा, मतलब थोड़ी सी दूर है दोस्तों। अभी सुबह नाश्ता करके आए थे, मैंने कहा चल समोसे ही लिया, दो खा लेंगे। और दोस्तों मैंने देखो गाड़ी चेक करी है भाई, गाड़ी एकदम एक नंबर की लोड कर रहे हैं। और लेबर दोस्तों, लेबर इतनी बढ़िया है ना, बत्ते भी खुद लगा रही है, हम गाड़ी के अंदर बैठे हैं, बत्ते भी खुद लगा दिए उन्होंने, वरना लेबर मिलती नहीं है दोस्तों ऐसी। जाए यार लेके आ जा कुछ खाने के लिए भाई, पैसे दे दो ले यार कुछ खाने के लिए। और दोस्तों खाने के लिए कुछ नहीं ला रहा है, दांत फाड़ रहा है, दिखाता हूँ मिलाता हूँ, ले यार कुछ खाने के लिए, कुछ खा पी लेंगे, शरीर में कुछ खा पी लेंगे, पतले पतले से वैसे ही हम मोटे से हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, थोड़ी देर बाद मिलते हैं। अब गाड़ी लोड हो जाए हमारी, उसके बाद रास्ता तिरपाल करेंगे, फिर मिलते हैं आप। और फाइनली दोस्तों हो गया शाम, और अब लगा रहे हैं बेल्ट ये सारी ढंगों पे बेल्ट लगाएंगे। लगा दिया दोस्तों गाड़ी यहाँ वापस, दोस्तों गाड़ी लगा दी हमने यहाँ वहीं जहाँ पहले लगा रखी थी। और सबको दोस्तों जैसे कि शाम हो गया, सबको प्यारी सी गुड इवनिंग और जय श्री राम। और भाई अभी मतलब बेल्ट वेल्ट लगाई है हमने दोस्तों, ये बत्ता नहीं लग रहा था हमारा, ये देखो ये वाला, ये यहाँ बेल्ट लगाई है, ये बत्ता नहीं लगा, ये चौड़ी हो गई यहाँ से बाडी, बत्ता नहीं लगा। अभी गाड़ी लोड भी नहीं हुई है दोस्तों, आधी लोड हो गई है, मतलब 3 ढांग और लगनी है, 4 ढांग लग चुकी है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर थोड़ी देर। आपके भाई की गाड़ी लोड नहीं हुई है, बैठे हुए हैं गाड़ी के अंदर, रात के 8:30 बज गए हैं, तो अभी बोल रहे हैं कि भाई 12:30 बजे तक लोड हो जाएगी गाड़ी। अभी हमें दोस्तों रास्ता तिरपाल भी करना है, कांटा भी करवाना है गाड़ी का,
और भाई दो कमेंट आ रहे थे, दो कमेंट आए थे दोस्तों यूपी 57 ब्लॉग वाले भाई के, वो पूछ रहे थे कि भाई 2 से 3 लाख रुपए देके डाउन पेमेंट करके हम गाड़ी ले सकते हैं। और दूसरा कमेंट था दोस्तों कि दिन भर में भाई आप कितनी गाड़ी चला लेते हो। दोस्तों सबसे पहले कमेंट का आंसर है कि भाई 2 से 3 लाख रुपए देके आप आराम से गाड़ी ले सकते हो सेकंड हैंड, बट आपके ऊपर पीछे बैकअप होना चाहिए एक बहुत बढ़िया अमाउंट का, एक बहुत अच्छे अमाउंट का बैकअप होना चाहिए। 2 से 3 लाख रुपए देके आप आराम से गाड़ी ले सकते हो, अपने पीछे कम से कम 4 से 5 लाख रुपए अपने होने चाहिए एक्स्ट्रा, क्योंकि आपको टायर भी डलवाने पड़ेंगे और भी गाड़ी का मेंटेनेंस रहता है और फाइल के का फाइल भी रहती है, टैक्स भी भरना पड़ता है दोस्तों। ये सब चीज़ को लेके आपको अपना बैकअप बना के चलना पड़ेगा। दो अगर आपके 2 से 3 लाख है और आप उसकी पेमेंट करके गाड़ी ले लेते हो तो आप चलवाओगे कैसे गाड़ी को, ठीक है। और दूसरा कमेंट है दोस्तों दिन भर में गाड़ी कैसे चला कितनी चलती है। दोस्तों दूसरा कमेंट का आंसर है कि भाई हम गाड़ी दोस्तों दिन भर में रोड के रोड पे डिपेंड रहता है कि आप गाड़ी कितनी चला सकते हो, मतलब रोड के मतलब रोड पे चल रहे हो तो रोड पे डिपेंड है कि अगर आप घाट पे चला रहे हो गाड़ी तो 1 घंटे में 30 से 35 किलोमीटर गाड़ी चलती है, 30 चलती है, 25 भी चल जाती है अगर ज़्यादा ही तगड़ा घाट हो। अगर आप 4 लाइन पे चल रहे हो, प्लेन रोड हो, तो दोस्तों हम 1 घंटे में 40 से 42 किलोमीटर चल लेते हैं, मतलब 24 घंटे में हम सफ़र काट देते हैं 500 से 700, कभी कभी 650 भी काट देते हैं, कभी कभी 550 भी काट देते हैं, मतलब काट देते हैं 400 से 600 हो जाता है, मतलब अगर ज़्यादा खींच के चलना है तो 400-600 चला देंगे, मतलब 550-600 चला देंगे, अगर आराम से चलना है तो 400 भी चला सकते हैं दोस्तों। वो रोड पे डिपेंड रहता है अगर घाटी और वो वैसी प्लेन रोड हो तो। दोस्तों अभी गाड़ी लोड हो जाएगी, फिर मिलेंगे रात को ही मिलेंगे, आप सब तो सो जाओगे, हम जागते रहेंगे तब मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। इतने आज तो खाना भी नहीं खाया दोस्तों, बस गाड़ी लोड हो जाए उसके बाद बाहर खाएंगे खाना, क्योंकि दोस्तों यहाँ होटल ही नहीं मिला, क्या करते, देखो रोड ही कैसी सुनसान होगी इतने में। मतलब जब आप सिटी में आ जाते हो या गांव में आ जाते हो तो आपकी गाड़ी सिर्फ लोड हो सकती है, खाने को नहीं मिलता। जब हम दोस्तों हम हाईवे पे चल रहे हैं तो अब मतलब जब हम टूर पे निकल गए हैं मतलब, और हमें अभी अनलोडिंग नहीं करनी है, मतलब हमें अनलोडिंग नहीं करनी है और टूर पे निकले पड़े हैं, तो हमें होटल मिल जाते हैं और खाना भी खा लेते हैं आराम से। बट हमको हमारा खाना कहाँ टूटता है पता है दोस्तों? हमारा खाना और सोना दो जगह टूटता है अनलोडिंग के टाइम पे, अनलोडिंग और लोडिंग के टाइम पे हमारा खाना और ये सब टूट जाता है, बस यही सीन है। आप दोस्तों मिलेंगे, चलो गाड़ी लोड हो जाए फिर मिलता हूँ मैं आपको। ये दोस्तों आपके भाई की गाड़ी हो गई पूरी लोड, ये देख लो चेक करो। और दोस्तों माल कांटा करवा रहे हैं, आए थे यहाँ कांटा भी करवा लिया आपके भाई ने, बट थोड़ा माल ज़्यादा हो गया है, 1 टन ज़्यादा हो गया, उतार रहे हैं फिर ये दिखाता हूँ आपको। ये देखो वहाँ फेंक रहे हैं माल, लोड मतलब तिरपाल तुरपुल करने के बाद मिलता हूँ दोस्तों मैं आपसे। अभी तो बेल्टें मारनी है यहाँ सारी, बेल्टें मार के ले जाएंगे, ठीक है दोस्तों। लोड करके दिखाता हूँ मैं आपको गाड़ी। दोस्तों आपके भाई की गाड़ी पूरी लोड हो चुकी है, मतलब फाइनल हो गया है, कांटा भी करा दिया है, गाड़ी भी लोड कर दिया है दोस्तों। रात के पूरे 12 बज रहे हैं, और देखो ये देखो रस्ता तिरपाल, ठीक है दोस्तों एकदम रस्ता तिरपाल कैसी है, एकदम ओके, आराम से देखो, ये देखो आराम से देखो, ठीक है। और दोस्तों ये बेल्ट लगा रखी है अभी, बस बेल्ट के पट्टे रह गए हैं, इनको फिट करना रह गया बस, क्या करें दोस्तों, बहुत टाइम हो गया, मतलब 12 बज गए अभी, कागज़ भी नहीं मिले हैं। और ये देखो पीछे से भी देख लो डालना, ठीक है एकदम ओके। और अब दोस्तों बस कागज़ मिल जाएंगे फिर निकलेंगे यहाँ से, फिर आगे जाके अभी तो रोटी भी नहीं खाई दोस्तों, सुबह से शाम होगी मतलब रोटी भी नहीं खाई, ऐसे ही पड़े भाई। बेल्टे फिट हो जाए उसके बाद देखते हैं कागज़ कब मिलते हैं। पूरी रात लगा दी दोस्तों, सुबह की लगी हुई थी गाड़ी, हमारी गाड़ी में पूरा 40 टन माल है। फिर ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल के ब्लॉग में, नेक्स्ट ब्लॉग में। सबको जय श्री राम और प्यारी सी गुड नाइट, सब सो जाओ भाई, आपका भाई तो मतलब गाड़ी चलाएगा अभी, 100-150 किलोमीटर गाड़ी चलानी पड़ेगी। बस कागज़ मिल रहा है, कागज़ का वेट करते हैं दोस्तों, जब कागज़ मिलेंगे कल को बता दूंगा मैं कितने बजे मिले थे।